हेलो एवरीवन, मैं करुणेश कुमार और मैंने बीटेक और एमटेक आईटी डेलिस किया है और मैं आज आप लोगों को वेव मोशन पढ़ाने वाला हूँ जेई मेंस रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि पिछले वही सेम तरीके से अपन लोग पहले समझेंगे कितनी चीज़ें पिछले 3 सेशंस में आई हुई हैं। बेसिकली 19 का जनवरी और अप्रैल का जनवरी, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली 19 का जनवरी वाला सेशन एंड 19 का ही अप्रैल वाले सेशन में देखते हैं कितने क्वेश्चन थे। तो 11 और 13 क्वेश्चन थे। देखो, यहाँ मैंने मार्क लिख रखा है, 11 और 13 क्वेश्चन थे। हाँ, डेफिनेटली जनवरी 2020 में आपके 4 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ पेपर और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों ही कम थे, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इसका वेटेज है। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली बात, आसान से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता नहीं है, और जो भी पूछेगा बेसिक फंडामेंटल्स को लेके ही पूछने वाला है। तो अपन अगर बेसिक फंडामेंटल को भी अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद रख पाते हैं, तो इसके मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो मैंने आज आज के लेक्चर में मोस्टली 19 और 20 के ही क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन 19 एंड 20 के ही हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट किया ताकि आपको अच्छी फील बनी रहे कि यही क्वेश्चन आते हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने आए हुए क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। तो मैं पहले आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। बेसिकली वेव मोशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम, चलो छोटी मोटी बातें पहले समझ लेते हैं, जैसे आम आदमी की भाषा में समझना है। मान लो अपने पास बहुत सारे, जहाँ एक मान लो एक मूवी थिएटर है, यहाँ पर टिकट बिक रही है और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ की लाइन के लिए समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है। तो अगर किसी भी चीज़ की लाइन के लिए खड़े हैं और पीछे वाले बंदे को मान लो गुस्सा आ गया और इसने आगे वाले बंदे को धक्का मार दिया, राइट, तो क्या होगा? जैसे इसको धक्का मारेगा, ये गिरेगा और गिरेगा, लेकिन सामने एक बंदा खड़ा है तो इसकी वजह से इससे सपोर्ट लेगा और अपने आप को सीधा करेगा, लेकिन इसको धक्का मारेगा तभी अपने आप को सपोर्ट ले पाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको धक्का मारेगा ये भी गिरेगा, और जैसे ये गिरेगा तो ये वाला बंदा भी, ये अपने आप को तो सीधा कर लेगा, लेकिन ये बंदा फिर से टेढ़ा होगा और ये अपने आप को सीधा करने के चक्कर में ये आगे धक्का प्रोपगेट करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वेव मोशन का, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो इस सोर्स, इसको सोर्स मान सकते हैं, इसने एक धक्का जनरेट किया जो धक्का आगे प्रोपगेट करा। देखो, कोई भी इंसान आगे नहीं गया, सिर्फ आगे क्या गया, धक्का। तो इसी इसी फिनोमिना को हम लोग रिलेट कर सकते हैं वेव मोशन से, कि जो वेव मोशन होता है दैट इज प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस एनर्जी, ठीक है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और डिस्टर्बेंस विदाउट प्रोपगेशन ऑफ द मीडियम और पार्टिकल। तो देखो यहाँ पर ये मीडियम है, ये आगे नहीं गया है, धक्का आगे चला गया, एनर्जी आगे चली गई है, क्लियर है बातें यहाँ पे? तो ये वेव मोशन आ गया। तो वेव मोशन अगर आ चुका है, तो वेव मोशन एक्चुअली दो तरीके की होती हैं। एक आपकी होती है मैकेनिकल वेव्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो दो तरीके की, जो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो दो तरीके की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, किस बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया था, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल वेव होगी, नॉन मैकेनिकल वेव हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फ़र्क क्या है कि मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, और नॉन मैकेनिकल वेव आपकी बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकती है, इसमें एनर्जी प्रोपगेट कर सकती है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि नॉन मैकेनिकल वेव में बिना, बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो, बिना मीडियम के प्रोपेगेट सकता है, कोई पार्टिकल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही प्रोपेगेट कर लेती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एग्जांपल है ईएम वेव, ठीक है, ईएम वेव्स। और मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ये आपकी मैकेनिकल वेव होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, ठीक है, ये आपके मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है, इन सबको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें वेव का आइडिया लग चुका है तो हम सिर्फ ये वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं, ये आपका वेव ऑप्टिक्स में कवर होगा। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है वेव स्पीड, इसको समझ लेते हैं। वेव स्पीड क्या होती है, तो जो हम डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, तो बेसिकली डिस्टर्बेंस एक पर्टिकुलर पल्स बना लेता है, एक पैटर्न बना लेता है। तो पैटर्न जिस रेट से आगे जाता है, तो रेट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस स्लैश पैटर्न स्लैश एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं, जिस रेट से ये पैटर्न एनर्जी और डिस्टर्बेंस आगे प्रोपगेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव स्पीड,
ठीक है, ये किसी में भी हो सकता है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे आपका नॉन मैकेनिकल हो, दोनों में भी सेम तरीके से ही डिफाइंड होता है। तो वेव स्पीड एक जनरल फिनोमेना है जो सारे सारे कॉमन टाइप के वेव्स के लिए डिफाइंड होगा। तो दैट इज रेट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस स्लैश एनर्जी स्लैश पैटर्न फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, करेक्ट है बात? तो ये क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर जैसे मान लो स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लो वॉल से हमने स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस जनरेट किया ऊपर की तरफ, छोटा सा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, मोस्टली हमारे सिलेबस में स्मॉल डिस्टरबेंस वाला ही आता है, हमने स्मॉल डिस्टरबेंस लेवल में। तो अगर हम स्मॉल डिस्टरबेंस करते हैं तो यहाँ एक पल्स बनती है, ये पल्स क्या होता है, आगे जाता है। देखो तो यहाँ खुद एक भी पार्टिकल आगे नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है कि जो पार्टिकल होता है यहीं ऑसिलेट कर रहा होता है, ये दूसरा वाला पार्टिकल यहीं ऑसिलेट करता है, इसका एक पल्स डिजाइन हो जाता है यहाँ होता है। लेकिन ये बेसिकली आगे क्या जाता है, पैटर्न। ये पैटर्न जो होता है ये आगे की तरफ एनर्जी की तरफ, यहाँ पैटर्न बना रहा है, फिर आगे पैटर्न बना रहा है, तो आपको लगता है कि ये पैटर्न आगे मूव कर रहा है, करेक्ट है? जैसे इस सेक्शन में पहले बना रहा होगा, फिर यहाँ बना लेगा, फिर यहाँ बना लेगा, और इस तरीके से आगे मूव करता है, तो ये पैटर्न आगे जाता है, ये एनर्जी की वजह से होता है, एनर्जी आगे प्रोपेगेट कर रही होती है। क्लियर है बातें? तो ये यहाँ पर ये समझो कि ये पैटर्न जिस रेट से आगे जा रहा है यही आपकी वेव स्पीड है, करेक्ट है? तो हम आज जो करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स, अब नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग आगे देखेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स का फंडा क्या है? मैकेनिकल वेव्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक था ट्रांसवर्स वेव मोशन, ठीक है, एक था आपका ट्रांसवर्स वेव मोशन, और दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। आपको अगर भैया आप किस बेसिस पर आपने इसको इस डिवीजन को किया है, तो डिवीजन है जो एक्चुअल में जो हम डिस्टर्बेंस जहाँ क्रिएट करते हैं वहाँ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, जो ऑसिलेशन होता है वो कैसा ऑसिलेशन है ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो अगर ऑसिलेट जो कर रहा है, अगर मान लो राइट की तरफ वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, मान लो राइट की तरफ प्रोपगेट कर रही है, और आपने पार्टिकल को इस राइट प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर किया होगा, मतलब एक्चुअली में पहले आप क्या करते हो, पार्टिकल को ऑसिलेट करते हो फिर आगे जाता है। तो अगर मान लो आपने वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोपगेट किया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जो वेव मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ऐसे वेव मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ऑसिलेशन के बेसिस पर हमने डिवीजन किया था। तो पार्टिकल ऑसिलेट, मैंने यहाँ लिखा है बहुत क्लियर कट, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, देन दैट इज ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग वेव इसका एग्जांपल होता है, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, हमने वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, देखो यहाँ समझाया था कि वर्टिकल में हमने इसको ऑसिलेट किया था, तो ऐसे करके पल्स आगे बढ़ रहा था, तो ये वेव मोशन की डायरेक्शन थी और ये पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन थी, ठीक है? तो ये क्लियर आइडिया लग रहा है यहाँ पर। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है उसमें अगर वेव मोशन राइट की तरफ है तो पार्टिकल भी पैरेलल टू द वेव मोशन, पैरेलल जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है उसी के पैरेलल ही ऑसिलेट करता है। तो डिस्टर्बेंस हमेशा, जैसे आपने डिस्टर्बेंस ऐसे जनरेट की, ठीक है, आपने डिस्टर्बेंस ऐसे जनरेट की है, देखो ऐसे ऐसे जनरेट की, तो वेव मोशन भी इधर की तरफ होगा, ठीक है? तो इफ़ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग पैरेलल, यहाँ देखो मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, बट एक्चुअल में क्या होगा, पैरेलल टू वेव मोशन, तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा, क्लियर है बात? यहाँ पे साउंड वेव एग्जांपल है इसका बहुत अच्छा सा। जब हम बोलते हैं तो जो पार्टिकल होता है, यहाँ जो हवा में पार्टिकल होंगे, एयर में पार्टिकल होंगे, वो ऐसे नहीं ऑसिलेट करते, वो ऐसे करके हमारे जो फेस है उसके पैरेलल ऐसे हो सकता है, ऐसे करके मतलब आपसे दूर जाएंगे फिर आपकी तरफ आएंगे, ऐसे करके ऑसिलेट करेंगे जो एयर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम दोनों ही ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव स्पीड को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंस लेवल पे पूछता है। तो पहले वाले में देखो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, जो वेव स्पीड है, अगर ट्रांसवर्स वेव में वेव स्पीड की बात करें, जो स्ट्रिंग वेव, बेसिकली पर्टिकुलरली स्ट्रिंग वेव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग वेव में जो वेव स्पीड होती है वो टी रूट ओवर टी बाई म्यू होता है, रूट ओवर टी बाई म्यू, वेयर टी इज़ क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड म्यू क्या है, मास पर यूनिट। रट लो भाई ये एकदम, देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, सो रट लो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये एक ही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन जो साउंड में स्पीड होती है वो साउंड की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करने लगती है, ठीक है? तो तीनों मीडियम में अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि एयर में छोटी वैल्यू होती है, सबसे कम आपकी एयर में होती है, फिर उसके बाद आपकी लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। तो निकालते कैसे हम उसे, जैसे सॉलिड में हमें वेव स्पीड, या हम अभी वेव स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड की नहीं बात करें, उसमें पर्टिकुलर बात करें साउंड की स्पीड की बात करें, तो साउंड की स्पीड अगर हम सॉलिड में बात करेंगे तो दैट इज़ रूट ओवर वाई बाई डी हो जाएगा, करेक्ट है ये बात? तो रूट ओवर वाई बाई डी हो जाएगा। अगर हम लिक्विड में बात करेंगे तो दैट इज बी बाई हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको वाई क्या होता है, वाई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ द सॉलिड मीडियम, डी क्या होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये मैंने बगल में लिख रखा, बी क्या होता है बल्क मॉडुलस ऑफ, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ोगे, रो क्या आपका डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्लियर है बात? अगर हम सी गैस की बात करते हैं, सी गैस जो कि एयर या गैस बोल सकते हैं, वो भी बी बाई रो ही होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को कि
जो बी होता है वो बल्क मॉडुलस ऑफ द गैसियस मीडियम होता है, और जो रो होता है वो बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस होता है। तो अगर इसको अब देखो, यहाँ पर दो लोग, दो साइंटिस्ट आए थे, एक न्यूटन आया था और एक लाप्लास आया था। न्यूटन ने थोड़ा सा गलत तरीके से बताया था, फिर लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था। वो क्या चीज़ उसमें नहीं पढ़ते हैं, फिलहाल आपने साथ पढ़ा भी होगा। तो सी गैस अकॉर्डिंग टू लाप्लास, जो गैसियस मीडियम में लाप्लास के हिसाब से जो स्पीड थी वो गामा पी बाय रो थी, और गामा आपका जो था वो क्या था, लाप्लास करेक्शन। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें, ये गामा क्या है आपका, लाप्लास करेक्शन। ये आपका वही जो एडियाबेटिक फंक्शन होता है पी वी के पावर गामा, वही वाला गामा है, ठीक है। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है। इसको हम टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हो सकता है। तो अगर आर गामा आर एम तो कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर मीडियम सेम है तो ये बेसिकली वेलोसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। मोस्टली इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला था, इससे जो हमने साउंड की स्पीड निकाली थी बहुत क्लोज आई थी वैल्यू, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर होगी, इससे बहुत क्लोज आई थी। और जो न्यूटन ने बताया था उसमें गामा नहीं था, तो गामा के बिना बहुत ज़्यादा एरर आ रहा था, तो हमने इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया उसकी वैल्यूज़ को। क्लियर है बात। तो हमें टाइप्स ऑफ वेव भी पता चल चुका है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा वेव इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है, ऐसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, करेक्ट है, यहाँ मान लो कोई स्ट्रिंग है, ये हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने कोई डिस्टर्बेंस जनरेट किया और स्मॉल डिस्टर्बेंस जनरेट किया। स्मॉल डिस्टर्बेंस की हम लोग क्यों बात करते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल डिस्टर्बेंस जो होता है वो उससे जो पल्स बनती है वो साइनोसॉइडल बन जाती है ना। हम मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए जो पल्स बनती है यहाँ पर साइनोसॉइडल बन जाती है, तो हम साइन वेव इक्वेशन, मतलब जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं वो SHM कर रहे होते हैं। अगर वो पार्टिकल स्मॉल के लिए हम SHM मान सकते हैं, ठीक है, तो स्मॉल के लिए हम SHM मान लेते हैं, और जो पल्स बनती है वो साइनोसॉइडल पल्स होती है, SHM कर रहे होते हैं, तो उससे जो इक्वेशन जनरेट होती है वो साइनोसॉइडल इक्वेशंस होती हैं। तो बाकी और भी बहुत सारी इक्वेशन बनती है, बट हमारा कंसर्न वहाँ नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो साइनोसॉइडल वेव इक्वेशंस ही हैं, और मतलब मेंस लेवल पे बात नहीं, एडवांस में कई बार अलग भी पूछ लेगा, लेकिन मेंस में डेफिनेटली दे स्टिक टू दी ओनली साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। तो वाई एक्स टी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो डिस्टर्बेंस जनरेट किया, जो वेव पल्स बनती है वो क्या होता है, टाइम एक्स और वाई का फंक्शन होता है, मतलब वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होता है। तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी होगा, जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है SHM में, के क्या है वेव नंबर जो स्टैंडर्ड होता है आपने पढ़ा हुआ, फाइ नॉट का तो इनिशियल फेस कॉन्स्ट जो आपको टी जीरो पर और एक्स जीरो पर आपको मतलब बेसिकली पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और वेलोसिटी के बारे में कमेंट करता है टी जीरो पर, करेक्ट है बात। तो पार्टिकल की टी जीरो पर एग्जैक्ट लोकेशन और वेलोसिटी के बारे में कमेंट करता है। तो आप चाहे तो देखो, अब यहाँ पर दो चीज़ें आप याद रख सकते हो, अब बाल तो इसकी डिटेलिंग में अभी नहीं जा सकते, टाइम नहीं इतना। तो ओमेगा टी माइनस अगर यहाँ पर होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही होगी, अगर यहाँ एक्स है तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, अगर यहाँ वाई होता तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ जेड होता तो जेड एक्सिस, तो अगर यहाँ माइनस आता और यहाँ एक्स होता है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मोशन हो रहा है। यहाँ देखो माइनस है लेकिन कॉस फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, तो साइन और कॉस दोनों का फंक्शन हो सकता है। तो दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इसको बोल सकते हैं राइट ट्रेवलिंग वेव। ये क्या है, राइट ट्रेवलिंग वेव, मतलब राइट ट्रेवलिंग अपने लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है फिलहाल यहाँ पर, और यहाँ क्योंकि हमने देखो राइट ट्रेवलिंग में पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है राइट की तरफ में। आप अगर यहाँ पर प्लस आ जाए, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाए, तो प्लस मतलब लेफ्ट ट्रेवलिंग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा, चाहे साइन का फंक्शन ले लो कॉस का फंक्शन ले लो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ के और ओमेगा का रिलेशन होता है, ओमेगा बाई सी हमेशा के होता है, ओमेगा बाई सी क्या होता है, के होता है, और सी क्या है, वेव स्पीड, जो भी वेव है उसकी स्पीड होगी, करेक्ट है। और जो हमने यहाँ पर डेराइव किया फिलहाल स्ट्रिंग वेव में ही किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट हम स्ट्रिंग वेव इक्वेशन पे ही स्टिक करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अच्छा एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ मेंशन करके आप पढ़ लो, ऑल द पार्टिकल इन द वेव मोशन ऑसिलेट, बेसिकली हम वही वाला पढ़ रहे हैं, ऑल द पार्टिकल इस वाले में, ऑल द पार्टिकल इन द वेव मोशन ऑसिलेट SHM विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रिक्वेंसी विद डिफरेंट मीन पोजिशन एंड इनिशियल फेज कॉन्स्टेंट। तो ये याद रखते हैं सारे पार्टिकल, अगर हम यहाँ बना दूँ छोटा सा एक फंक्शन, तो यहाँ पर ऐसा है कि मान लो हमने पल्स जनरेट किया हुआ है, तो ये अगर ऐसे पल्स बना है तो सारे पार्टिकल सेम हाइट पे जाएंगे, सारे पार्टिकल सेम हाइट पे जाएंगे, ये समझ में आना चाहिए, और सबका टाइम पीरियड सेम होगा, ऑसिलेट टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन सबकी जो इनिशियल पोजीशन है वो अलग अलग है, एक्स अलग अलग है, तो सबका मीन पोजीशन अलग हो जाएगा, करेक्ट है बात। और सबके सबका जो फेज है वो भी अलग हो सकता है, इनिशियल फेज होगा वो भी अलग हो सकता है। क्लियर है बातें यहाँ पे, तो ये सारी बातें याद रख सकते हैं। तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही मैं बार बार यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ कि ये दो चीज़ें याद कर लो भैया, ये दो चीज़ें याद कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा, वाई एक्स टी, आप राइट ट्रेवलिंग और लेफ्ट ट्रेवलिंग तो आइडेंटिफाई करना चाहिएगा, बीच में नेगेटिव राइट ट्रेवलिंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीच में पॉजिटिव इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पर एक्स है तो उसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, करेक्ट है बात। अच्छा यहाँ पर कई बार वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछता है,
तो अब देखो कौन सी लोकेशन है, किस लोकेशन वाले पार्टिकल की बात करें वो मैटर करता है। तो अगर इसी स्ट्रिंग वेव इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करता है, तो एक जनरल कोई भी इक्वेशन लिख लो उससे निकाल सकते हैं। तो वाई एक्स टी इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है, ये फंक्शन है अपना। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइम के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेल वाई बाई डेल टी। तो पार्शियल का मतलब होता है एक ही फंक्शन, बाकी सारे को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हो जाता है ए माइनस ए ओमेगा, माइनस नहीं होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू होगी वी पी मैक्स होगी, करेक्ट है ये बात, वी पी मैक्स होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर आप एक्स की वैल्यू डालोगे और सर्टेन टाइम डालोगे, तो उस एक्स वाले लोकेशन के लिए आपको टाइम के साथ उस एक्स वाली लोकेशन के लिए उस टाइम के लिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता देगा। बस इतना ही चाहिए था हमें। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए पी आ जाएगा, दैट इज डेल टू वाई अपॉन डेल डी डी टू, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी मैक्स हो जाएगा, एक्सेलेशन ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल, समझ में आ ही रहा होगा आपको, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर किसी सर्टेन एक्स के लिए सर्टेन टाइम पर हम एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैंने एक आध क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलो एक क्वेश्चन का टैकल करता है। अभी तक हमने क्या किया, वेव मोशन की बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स और वेव इक्वेशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, इसकी बेसिस पे एक दो क्वेश्चन टैकल करते हैं। तो देखो जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा था, ये जिसमें मैंने मार्किंग नहीं किया है, सारे 2019 के, जिसमें कुछ ब्लैक में मार्किंग होगी वो आपके 2020 के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है, हार्मोनिक मतलब एस एच एम कर रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई एक्स टी, है ना, वाई एक्स टी, ध्यान से देखना, वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू 10^-3 साइन 50t प्लस 2x, ये दिया हुआ है, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेव। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती क्यों करते हैं, मुझे लगता है ऐसा, अगर आपको 3 मिनट लाइफ में मिला हुआ ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर कोई 3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मान लो 2 ही मिनट मिलते हैं, तो आप कम से कम 40-50 सेकंड तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे के बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है और आप गलती कर देते हो। तो गलती नहीं करना, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक डेटा को ध्यान से देखो, नहीं तो आप जल्दबाजी में पेन कलम चलाना शुरू कर देते हो और फिर उससे क्या होता है कि आप कुछ डेटा मिस कर देते हो, फिर वापस से दोबारा पढ़ते हो, आंसर नहीं आता, तो वो टाइम बहुत सारा लग जाता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस जाता है। तो ये नहीं करेंगे आप। देखो मैंने यहाँ देखा ध्यान से, ये वाला टर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप ऐसे जो मैं पढ़ी चुके हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल है, ये आपका ओमेगा हो गया, ये आपका के हो गया। तो ओमेगा कितना है, 50 यूनिट, और के कितना हो गया, 2 यूनिट, आपको सब कुछ पता है यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन देखते, कह रहा है कि द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये बात सही है या गलत है। देखो अब वेव इक्वेशन को देखो, यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब जो यहाँ होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास कितने ऑप्शन है, 1 और 2 पॉसिबली आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन आपको वेव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो वेव स्पीड का तो मैंने अभी बताया था, आप याद भी रख सकते हो, सी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के हो जाता है, करेक्ट है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब यही चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। तो 50 आपका ओमेगा है, के कितना है, 2 है, तो जो आपकी वेव स्पीड आएगी 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, क्लियर है क्या, है ना। तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब ये चार अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बोनस क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाए तो फिर तो क्या ही फायदा, वेव मतलब मुझे लगता है कि रिविजन करके ही तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि बस कुछ चीज़ें याद करके एग्जाम में जानी है और कुछ नहीं करना, बट हाँ आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो तो बेटर होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्योंकि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे कह रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज 5 ग्राम पर मीटर, तो ग्राम में तो केजी बदल देते, सब कुछ एसआई में करो तो बेटर रहेगा। तो 5/1000 म्यू की वैल्यू 5/1000 केजी पर मीटर, है ना, ग्राम को मीटर में बदलने का तरीका और ग्राम को केजी में बदलने का तरीका। अब यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी 5 kg पर मीटर इज y इक्वल टू 0.03 साइन 450t माइनस 9x, वेर बाकी सब कुछ दिया करा है, इसमें टेंशन बताओ। तो देखो ये पहले मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ कि ये आपका राइट ट्रैवलिंग है लेफ्ट ट्रैवलिंग है, तो माइनस साइन क्या कहता है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवलिंग है, प्रोपेगेट किधर कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवलिंग, ठीक है।
लेकिन ये क्वेश्चन तो हमसे पूछा नहीं, पूछा क्या हमसे यहाँ पर, पूछा हमसे फाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में प्रोड्यूस किया हुआ वेव है। तो कह रहा है जो टेंशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज सी इक्वल्स टू रूट ओवर टी बाई म्यू, वेयर सी इज वेव स्पीड इन द स्ट्रिंग एंड टी इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू कितना हो गया अपना पता ही है, तो सी निकालने का अपने को गुजारिश है, ठीक है। तो सी क्या है, सी क्या होगा, यहाँ देखो ओमेगा पता है, नाइन के पता है, तो 450, ये तो देख के समझ में आ जाना चाहिए अब। तो ये हो जाएगा अपना 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं बस, 50 × 50 कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ना, बड़ा आसान सी चीज़ है। 50 × 50 इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू, तो टी क्या हो जाएगा अपना 50 × 50 × 5/1000, सॉल्व करोगे तो 12.5 न्यूटन आ जाएगा। कुछ भी मतलब अगर ये भी क्वेश्चन, तो मैं मतलब इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान बोलूँगा, क्योंकि देखो कुछ भी तो किया नहीं इसमें, बस वेव इक्वेशन अगर आपको समझ में आती है और आपको वेव स्पीड का फॉर्मूला पता तो फटाक से यूँ ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब गलतियाँ करके आना मतलब पाप जैसी है, पाप हो रहा है आपसे, ऐसे सोच लो, ये गलतियाँ नहीं करनी बिल्कुल एग्जाम में। अब प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। ये मतलब बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रेसिव, अच्छा जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, मतलब यू कैन से जो आपकी वेव मैकेनिकल वेव है, ये सारी मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक्चुअली प्रोग्रेसिव वेव होती है, इसमें एनर्जी आगे जाती है, कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसमें एनर्जी आगे प्रोपगेट नहीं करती हैं, तो उस उनको हम अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, उनके एनालिसिस में अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं कि प्लेन एक ही प्लेन में लाई कर रही होती है, तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग, ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव मतलब एनर्जी आगे जाती है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका जो मोशन है इधर की तरफ दिया हुआ है, जो प्रोग्रेशन है वो किधर की तरफ है, जो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी वो राइट ट्रेवलिंग है, इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है, तो वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन, जो दिया है इसी के हिसाब से करेंगे, प्लीज़ इस बात को ध्यान देंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्लियर है बात है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, आप क्या करो, आपसे कह रहा है कि अगर ये है तो टी जीरो पे इसका स्नैपशॉट दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि फेस बताओ, तो टी जीरो पे ही आपको फाई नॉट बताना है। अच्छा टी जीरो पे जो यहाँ जहाँ पर सोर्स मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस पे मानेंगे, तो जो टी जीरो पे वाई है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो, टी जीरो पे जो आपका वाई है वो जीरो, लेकिन हमें देखो उसकी चिंता भी नहीं करनी, उससे वहाँ भी नहीं निकालना, हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं वेलोसिटी से चेक करते हैं, फटाफट यूँ ही हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो हम वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, तो वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, अब हमने क्या किया, टी जीरो पर और एक्स जीरो पर वीपी देखने की कोशिश किया, तो वीपी आ गया आपका वीपी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा कॉस फाई, है ना। ये बड़ा आसान सा तरीका, बिल्कुल ईजी सा तरीका। अब वीपी जो है, अब यहाँ पे वीपी देखो क्या आएगा, अगर वीपी देखेंगे तो ये राइट ट्रेवलिंग वेव है, अब इसको यहाँ थोड़ी सी बड़े अच्छी सी चीज़ समझ में आएगी आपको, ये राइट ट्रेवलिंग है, तो ये राइट ट्रेवलिंग है, तो देखो ये वेव पल्स को थोड़ा आगे बढ़ा के देखो, है ना, अगर आगे बढ़ाओगे तो एक्चुअल में ये पार्टिकल आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, मतलब जो वेव स्पीड है वो पॉजिटिव है ना, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ गया, ये देखो ऊपर की तरफ गया, अगर ऊपर की तरफ गया तो वीपी मस्ट बी पॉजिटिव, अगर वीपी पॉजिटिव है ना, तो ये पूरा टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए ओमेगा पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसका मतलब कॉस फाई को आपको नेगेटिव होना पड़ेगा टू मेक श्योर करने के लिए राइट वाला टर्म आपका पॉजिटिव। तो ऐसे ही आप लोग फाई नॉट को चेक कर सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी डिरेक्शन पता चला, या इनमें से देखो अब एक्सेलेशन पता चला तो एक्सेलेशन में जाकर हम लोग फिर देख सकते हैं, वेलोसिटी पता चला तो वेलोसिटी के टर्म, यहाँ वेलोसिटी दिख रहा है तो उसके हिसाब से देख पा रहे हैं ना, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है, करेक्ट है, ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो कॉस फाई नेगेटिव होगा तब जाकर ओवरऑल राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कब होगा, आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में कोई रैंडम पोजीशन तो नहीं, मीन पोजीशन पर ही है, तो मीन पोजीशन पे दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या तो जीरो आता है या तो पाई आता है ना, और सारे के सारे फेज जो होता है इनिशियल फेज होता है जीरो से पाई के बीच में ही हम लोग रखते हैं, जीरो से टू पाई के बीच में रखते हैं, तो जीरो से टू पाई के बीच में वैल्यू, अब देखो कॉस की वैल्यू ओरिजिन पर जब होता है तो या तो जीरो होता है तो पाई होता है, करेक्ट है, तो जीरो रखेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, पाई रखेंगे तो माइनस वन आएगा, इसका मतलब जो कॉस फाई होगा वो आपका माइनस वन होगा, तो फाई इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये फटाफट हो जाता है, ये थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अब यहाँ बता दिया तो आप देख सकते हो, वेलोसिटी से चेक कर सकते हो, फेज करें, फेज ही पूछता है, जो इस बात को ध्यान रखा, फेज ही पूछता है बार बार, है ना, मेंस लेवल पे, हाँ ठीक है। अगर हमें मैकेनिकल वेव्स आ चुका है तो हम लोग इसके इंटरफेरेंस के बारे में बात कर सकते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव की बात कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर दो वेव्स है, ट्रैवलिंग वेव्स है ना, दो ट्रैवलिंग वेव्स है,
अगर वो किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट करते हैं तो दे इंटरफेयर ईच अदर, इंटरफेयर करके कुछ नया वेव बनाते हैं। वही मैंने लिख रखा, ध्यान से देखो, कि टू और मोर वेव्स आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, देन दे आर से टू इंटरफेयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर दो वेव्स किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि दे आर इंटरफेयरिंग ईच अदर, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे मैंने यहाँ दिखा भी रखा है कि एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव पल्स इधर से आ रही है, दोनों यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, दैट सेज कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वाई डिस्प्लेसमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो जो भी वाई आएगा वो वाई वन प्लस वाई टू होगा। इससे क्या होगा, अगर हम दोनों का वाई वन ऐड करेंगे, नई वेव निकल कर आएगी और वो कुछ नया बनाएगा, तो उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखो, अब ऐसा करके हम एक्चुअली एक नहीं तीन तरीके की वेव्स हम हमारे सिलेबस में जो है वो तीन ही मोस्टली दिखेगी जेई मेंस लेवल पे। एक तो सेम डायरेक्शन वाला विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एक ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस सेम एम्पलीट्यूड के साथ, और एक बीट्स होता है जिसमें क्या होता है स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है, स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस, तो बीट्स प्रोड्यूस होता है। तो यही तीन चीज़ें मेन है जो सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, कि फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी वाला बीट्स होता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है सेम एम्पलीट्यूड होता है स्टैंडिंग वेव बन जाता है, सेम डायरेक्शन है तो वो जनरल वेव है, सेम डायरेक्शन प्लस डिफरेंट एम्पलीट्यूड उसको जनरल वेव बोलेंगे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम वी हैव टू वेव्स, पहले टाइप का जो सुपरपोजिशन है उसकी बात करते हैं। पहले वाले सुपरपोजिशन में क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास दो वेव है, एक्स हमने माना वाई एक्स टी इक्वल टू, देखो इसमें क्या है एम्पलीट्यूड तो अलग है बट दोनों की डायरेक्शन सेम है, थोड़ा सा मतलब इसमें फेज डिफरेंस है फाइन आउट का दोनों की वेव में फेज। तो हम लोग कहते हैं अगर मान लो सर्टेन पॉइंट में मीट कर रहा है, मान लो सर्टेन पॉइंट में मीट कर रहा है, हम लोग वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बोल सकते हो सर्टेन पॉइंट के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर सॉल्व करेंगे तो कुछ नया वेव आएगा, कुछ वो ऐसा बन के आएगा, इस बात को समझना, कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। जब ऐसा बनकर आएगा, ध्यान से देखना, ये ऐसा कुछ बन के आएगा, अगर ऐसा बन के आएगा तो जो मैंने ऐसे बता दिया, अब ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कर सकते हो, इसमें जो ए आएगा वो क्या होगा, ए आपका होगा जो दोनों बेस जो जिस जो दो वेव सुपर इम्पोज होती है उनके एम्पलीट्यूड्स हैं। यहाँ पर ए वन क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है पहली वाले का, ए टू क्या, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड है, तो और जो फाइ नॉट है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके साथ एक रिलेशन बन जाएगा, जो ए डैश होगा नए जो नई वेव प्रोड्यूस हुई उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो कितना होगा, ए डैश इक्वल टू ए वन स्क्वायर रूट ओवर ए वन स्क्वायर, मैंने लिख दिया इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, फाइ नॉट दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, और हमें फाइ नॉट भी निकल जाएगा, बिल्कुल जैसे वेक्टर की तरह होता है, वही सेम चीज़ वेक्टर वाला होता है, वेक्टर के बीच जैसे वेक्टर रिजल्टेंट और वेक्टर में जो एंगल आता है वही वाला रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जो एम्पलीट्यूड आता है तो इसमें हम ए मैक्स और ए मीन के बारे में भी पूछ लेता है, ए मैक्स और ए मीन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा इस बात को भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, कॉस फाइ अगर प्लस वन होगा तो मैक्सिमम होगा, कॉस फाइ इक्वल टू माइनस वन होगा तो मिनिमम होगा, जैसा वेक्टर में गया था वैसे ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए वन प्लस ए टू, और ये हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, ए मैक्स और ए मीन पूछ सकता है। अब ए मैक्स और ए मीन अगर पता है तो हम लोग इंटेंसिटी के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, जो इसमें इस स्ट्रिंग में इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, एनर्जी पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, करेक्ट है। तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, हम यहाँ इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। देखो बाकी सारे पैरामीटर तो कॉन्स्टेंट रहते हैं, जो ए होता है वो डिफरेंट होता है, तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं सीधा, मतलब हम सेम, ऐसा नहीं कि डिफरेंट ओमेगा नहीं हो सकता, अगर दो डिफरेंट वेव लेंगे तो ऑब्वियसली उसके उसको कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक्चुअली बाकी सब सेम मान रहे हैं, बस एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट था, तो इसलिए हम लोग क्या करें, डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, तो आई के साथ भी इस एम्पलीट्यूड को आई के साथ रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट टू रूट आई वन रूट आई टू, प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात को, इंटू कॉस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर भी हम आई मैक्स और आई मन निकाल सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर होना चाहिए, आई मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर रूट ओवर आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैक्स, अब ये वही सेम होगा जैसे कॉस फाई की वैल्यू अगर प्लस वन होगी तो ये आपका प्लस होगा, और माइनस वन होगी तो यहाँ माइनस होगा, जीरो और पाई पे होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकाल। अब देखो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ 19 में, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछ ले 19 में। अब देखो ये चीज़ तो आप याद रख ही सकते हो, आपको थोड़ा बहुत पहले भी एस एच एम में भी यही सेम चीज़ पढ़ी थी आपने, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहते हो, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखो क्या पूछा है, एक बार मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तेजी से निकाल देते हैं। टू कोहरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है, सॉरी इंटेंसिटी है जो अलग है, एक की I1 है एक की I2 है, दो वेव्स हैं, ठीक है।
आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी 16। तो अच्छी बात है, मैक्सिमम तो हमें पता है आई मैक्स क्या होता है, अपॉन आई मिन भी पता होता है, तो हम लोग उसका रेशियो ले लेते हैं। क्या होता है, रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आई वन माइनस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर तो अभी तो ऊपर लिखा था भाई, क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो ये दिया हुआ है 16, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आई वन बाई आई टू का रेशियो कर रहा, तो देखो जगह रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर सी एंड डी लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो। उसमें क्या होता है कि ए प्लस बी ऊपर का प्लस बी, तो ऐसे करते हैं रूट आई वन प्लस, ये ऊपर वाला प्लस माइनस कर लेते हैं, बस ऊपर प्लस नीचे माइनस, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो हो जाएगा टू रूट आई वन करके देखो अपॉन टू रूट आई टू इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। टू टू कट गया, तो रूट आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो रेशियो जो आएगा आई वन अपॉन आई टू दैट इज गोइंग टू बी 25 बाई 9। करेक्ट है बात, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितना फटाफट हो गया, ये भी बोनस क्वेश्चन है। देखो मैंने कुछ 12-13 क्वेश्चन 15 टाइप लिए हुए हैं, इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे मतलब कुछ 28 में से 15 तो ये है, तो मतलब 50-60% तो ईजी है, ये तो होने ही चाहिए भाई। तो ये बात ध्यान रखना कि ईजी ही आते हैं मोस्टली, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी ही रहता है ये, इसमें बहुत मुश्किल नहीं बताया। एडवांस में थोड़ा डिफिकल्ट पूछ सकता है, बट मेंस में तो बहुत फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है। तो दूसरा जो टाइप का सुपर पोजिशन है उसकी बात हम लोग करते हैं। दूसरे टाइप का जो सुपर पोजिशन है उसमें क्या होता है कि हम दो ट्रैवलिंग वेव ही लेते हैं, ट्रैवलिंग वेव ही लेते हैं, मतलब जो प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव है उसी स्ट्रिंग ट्रांसवर्स स्ट्रिंग में ही जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है वही ले रहे हैं हम लोग। बट यहाँ पर जो फर्क है वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। जो वाई वन है वो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, करेक्ट है बात, y1 वन इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये राइट ट्रेवलिंग हो गया और ये वाला क्या हो गया लेफ्ट ट्रेवलिंग, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो जो सुपर इम्पोज करके वेव बनती है ये बन के आती है। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगने लगता है कई बार, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या है, अगर हमने इसको एनालाइज किया, इसको टाइम और एक्स के साथ वैरी किया, तो हमें क्या दिखा, मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमने इसकी फोटोज़ निकाल के देखी, जो वेव जो रिजल्टेंट वेव आई, तो हमें ऐसा दिखा। देखो एक टाइम पे हमें ऐसा दिखा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग समझना, पहले मान लो ऐसे करके दिखा, फिर अगले टाइम पे ऐसा दिखा, ये देखो, फिर अगले टाइम पे ऐसे दिखा, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ऐसे दिखा, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ऐसे दिखा, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ऐसे दिखा, एंड देन ये रिपीट हो रहा था मोशन। तो हमें इस पूरे मोशन में जो रियलाइज हुआ, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे थे, ये वाले कुछ पार्टिकल थे जो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे थे, और कुछ तो जो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट मैक्सिमम ऑसिलेशन पे जा रहे थे। तो इससे क्या होगा, दो पॉइंट फिक्स हो गए, अगर दो पॉइंट ऑसिलेट नहीं गए तो दो पॉइंट फिक्स है, उसमें एनर्जी ट्रैप हो गई है, अगर एनर्जी ट्रैप हो गई तो आगे प्रोपेगेट नहीं करे। तो हम इस वाली वेव को जो रिजल्टेंट वेव थी इसको हमने क्या बोला, स्टैंडिंग वेव बोला। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऑसिलेट ही नहीं करते, कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं, और बाकी सारे पार्टिकल जीरो से और मैक्सिमम के बीच में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स, ध्यान रखेंगे हम यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते उनको नोड बोलते हैं, मतलब ए क्या होता है जीरो, एंटी नोड क्या होता है, ए क्या होता है उसका मैक्सिमम, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो ऐसे करके बन जाता है। अच्छा देखो, एक वेव पल्स की जो लेंथ होती है वो लेमडा होती है, तो ऐसे हम लोग जैसे अगर मान लो ये ओरिजिन है तो इसको रिलेट भी कर सकते हैं, मैं इसको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, घंटों बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद रखना फिलहाल मेंस के लेवल की रिवीजन चल रहा है। तो ये यहाँ से लेमडा होता है, तो ये देखो यहाँ नोड से नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, लेमडा बाई टू। अब एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी, लैम्डा बाई फोर। ये आपने याद भी किया होगा, बारहवीं में हिस्से ही पढ़ते चले आ रहे हो, बार बार बोर्ड के एग्जाम के टाइम में भी पढ़ा होगा। तो ये तीन फैक्ट मैंने बना रखे हैं, इसको आप फटाफट याद कर जाओ। एक सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी लैम्डा बाई टू, सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज ऑलवेज लैम्डा बाई टू, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज ऑलवेज लैम्डा बाई फोर। ये फैक्ट की तरह मैं यूज करूंगा बार बार, है ना। तो स्टैंडिंग वेव आपको सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, और इससे हमने जो बेसिकली नोड्स और एंटी नोड के बीच की हमने रिलेशन बना लिया है, करेक्ट है यहाँ पे। तो थोड़ी सी मैं एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पर आपसे ये कि आप थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वेव पहले से पढ़ चुके होंगे, अब मैं यहाँ पूरा समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो स्टैंडिंग वेव हम लोग प्रोड्यूस कहाँ करते हैं, तो दोनों साइड जो एक स्ट्रिंग लेते हैं, दोनों दो दो एंड पे फिक्स कर देते हैं। अगर दो एंड पे फिक्स कर दिया हमने, देखो दो एंड पे फिक्स कर दिया है, तो इस स्टैंडिंग वेव पे अगर हमने दोनों एंड पे इसको फिक्स कर दिया है, करेक्ट है, तो अगर हमने तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑसिलेट करते हैं तो मतलब अब समाव हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, दोनों तरफ से वेव आती है और प्रोड्यूस करती है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव। तो देखो एक चीज़ पक्की हो जाती है, अगर स्ट्रिंग है और वो एंड पे फिक्स्ड है, तो जो एंड फिक्स्ड है वो तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता ना, ये दोनों पॉइंट ऑसिलेट करेंगे तो ये नोड हो गया। तो अगर इसको अगर तुम वाइब्रेट करना चाहते हो स्टैंडिंग वेव फॉर्म में, तो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी, और उसमें भी देखो अब वो फ्रिक्वेंसीज ऐसा नहीं कि
इसके बहुत सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, मतलब जैसे ये फंडामेंटल मोड होता है, आपने पढ़ा ही होगा, और उसके बाद क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट ओवरटोन मोड होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी मैं बताऊँगा सेकेंड हारमोनिक या थर्ड हारमोनिक, इसको उसको भी रिलेट करूँगा। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लो हम निकालना चाहते हैं, मान लो इस मोड पे वाइब्रेट कर रहा है, अगर इस मोड पे वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हम पहले ही मान लेते हैं कि चलो ऐसा कुछ फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट, इससे छोटे भी कुछ वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये आएगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे देख सकते हैं, सेम लेंथ में ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके एन पॉसिबल स्टैंडिंग वेव बन सकते हैं। तो जो पहला पॉसिबल हमने मान लिया अगर स्टैंडिंग वेव है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट होती है आपकी सी बाई लेमडा, ठीक है, एफ नॉट मतलब फ्रिक्वेंसी सी बाई लेमडा होती है। तो हम इस लेंथ को, मान लो एल लेंथ का स्ट्रिंग था जो दोनों एंड पे फिक्स्ड था, इससे हमने क्या किया, इससे हमने एक वो निकाला लेमडा के साथ रिलेशन। तो देखो अगर फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट करा तो ये दोनों क्या है, नोड्स हैं, नोड्स के बीच की दूरी कितनी होगी, लेमडा बाई टू, अभी ऊपर याद करवाया था, नोड्स के बीच की दूरी क्या है, लेमडा बाई टू। तो लेमडा बाई टू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल, तो लेमडा इक्वल टू टू एल हो जाएगा। तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है कि सी बाई टू एल आएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, इस बात को याद रखेंगे, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन सी बाई टू एल आएगा। अगर आप, अगर जो भी स्ट्रिंग में सी है, जो भी स्ट्रिंग की एल एस के हिसाब से आप निकाल लो, अगर इसी फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट करते हो तो ये वाला डिजाइन बन के आपको दिखेगा, करेक्ट है बात, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं इस कि अगले वाइब्रेशन वाइब्रेट करने को, तो अगला पॉसिबल वाइब्रेशन ये है, ठीक है। तो हमने कहा जी अब यहाँ पर दो एंटी नोड और तीन नोड्स दिख रहे हैं हमें, तो अगर हम यहाँ लेंथ के टर्म इसको लिखते हैं फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये लेमडा बाई टू, ये लेमडा बाई टू लेमडा हो गया, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा, तो जो एफ नया वाइब्रेशन आएगा, नई फ्रीक्वेंसी आएगी, वो सी बाई लेमडा होगी, तो सी बाई एल हो जाएगा, सी बाई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू सी बाई टू एल। तो ये एक्चुअली जो फंडामेंटल मोड है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अगर मान लो फंडामेंटल मोड 25 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज पे करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि अगर हम 50 हर्ट्ज पे करेंगे तो ये वाले मोड पे वाइब्रेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अगला पॉसिबल वाइब्रेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और जितने गुना ये फंडामेंटल मोड का होता है उसे बोलते हैं उतने हार्मोनिक। तो ये हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक, क्लियर है बात। तो ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तीन गुना, मतलब फंडामेंटल मोड का जितने गुना उतने हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। तो ये होगा फंडामेंटल मोड, ये होगा फंडामेंटल मोड, यहाँ मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, ये एकदम स्टैंडर्ड है, फिक्स है, सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ये हो जाएगा nth ओवरटोन, इसको बोलेंगे एफ नॉट, ये हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, और ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये याद रहेगा आपको। तो ये याद रख लेना अगर बोथ साइड फिक्स्ड है तो ऐसे, अगर अब देखो अगर स्ट्रिंग एक साइड ओपन है तो जो ओपन एंड होगा हमेशा वहाँ पर, जो ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा क्या बनेगा, ये भी समझने वाली बात है, जो ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम आप उसको ऑसिलेट कर सकते हो। तो नो, यहाँ नोड बन रहा और यहाँ एंटी नोड, ये इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, क्लियर है बातें। अगर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है यहाँ पे, तो इस पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम निकाल लेंगे, फिर उसकी अगली पॉसिबल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर अगली पॉसिबल निकालेंगे। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल मोड के हिसाब से मैं लिख देता हूँ पहले फंडामेंटल मोड, तो फंडामेंटल मोड में नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई फोर होगी भाई, है ना। तो लैम्डा बाई फोर को हम लोग लिख सकते हैं एल लेंथ, तो एल लेंथ लिख देते हैं, तो जो एफ नॉट आएगा वो सी बाई फोर एल आएगा, आसान सी बात है जी। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फिर अगला पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आप ऐसा बना सकते हो, क्योंकि इस वाले एंड को हमेशा एंटी नोड बनाना है, इस वाले एंड को हमेशा नोड बनाना है। तो आपने कहा कि जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई फोर, और यहाँ होगी लैम्डा बाई टू, तो हमने लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू को एल लिख दिया, सेम लेंथ के लिए ही देखते हैं, ठीक है। तो जो अगली पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है थ्री सी बाई फोर एल, विच इज थ्राइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये, इसमें ये तो अभी भी फंडामेंटल मोड ही है, ठीक है, ये थर्ड, ये बेसिकली इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ये है सेकेंड ओवरटोन, ये एकदम प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ये एनथ ओवरटोन है, है ना, ये हमेशा फिक्स होता है, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ये फिक्स होता है दोनों में। लेकिन जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है एफ नॉट या फर्स्ट हार्मोनिक आती है, तो जितने गुना है, तो ये वाला एक्चुअली फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक होगा, इस बात को प्लीज समझना, ओपन एंड या बोथ एंड में, ओपन एंड वाला या बोथ एंड फिक्स्ड वाले में अलग अलग सिचुएशन होती है, ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा। तो यहाँ पर nth ओवरटोन इक्वल्स टू 2n प्लस 1th हार्मोनिक होगा, यहाँ nth ओवरटोन इक्वल्स टू n प्लस 1th हार्मोनिक होगा, क्लियर है बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, बहुत मुश्किल नहीं आते। जैसे ये देखो, अ स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एट बोथ द एंड्स एंड इट्स वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक। तो अगर मान लो स्ट्रिंग है, दोनों साइड क्लैम्प कर दिया हमने, ये दोनों साइड क्लैम्प हो गया, ठीक है, दोनों साइड क्लैम्प हो गया है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, दोनों साइड क्लैम्प हो चुका है, और अगर क्लैम्प हमने कर दिया तो यहाँ पर ऐसे कर दिया, स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है। अगर दोनों साइड क्लैम्प हो गया, स्ट्रिंग फिक्स हो चुकी है,
तो कह रहा है कि फोर्थ हार्मोनिक में दोनों साइड फिक्स्ड और फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल मोड फोर्थ हार्मोनिक का आपको याद होना चाहिए, दोनों साइड फिक्स्ड है दिमाग में बिठा लो कैसे होगा, तो ऐसे होगा फोर्थ हार्मोनिक का ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं फोर्थ हार्मोनिक मतलब ऐसा वाइब्रेशन होगा, करेक्ट है ये बात। तो अगर मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना पता है, एक्चुअल में क्या कर रहा है कि देखो जो ये फोर्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट कर और इक्वेशन दिया हुआ है, अब देखो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड दिया होता है, ये हो जाता है टू वे कॉस या साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, देखो ये वाला तो इसी फॉर्म में दिया, इस फॉर्म में भी दे सकता था, टू ए कॉस के फॉर्म में दे सकता था, कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी के फॉर्म में भी दे सकता है, करेक्ट है। तो अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें के मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। अब कह रहा है फोर्थ हार्मोनिक इसमें वाइब्रेट कर रहा है ये वाला, तो अगर हमें लेमडा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम लेमडा से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी टोटल कितना होगा, जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, चारों नोड है ना, दिख रहा भी है सबको, ये नोड 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 नोड, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, नोड टू नोड कितनी दूरी होती है, अभी तो बताया था लेमडा बाई टू, ऐसे कितने चार, तो टू लेमडा हो गया। अगर हमें लेमडा पता चल जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट है, अगर फोर्थ हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रहा है तो लेमडा कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन में सोचो कहाँ से लेमडा मिलेगा। एक चीज़ है जो आपको मैंने बताई नहीं, के इक्वल्स टू टू पाई बाई लेमडा होता है, वेव नंबर हमेशा टू पाई बाई लेमडा होता है, आपने एसएचएन में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आपको आ रहा है ये। तो के निकल जाएगा, के कहाँ से निकलेगा, के है आपका यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, तो ये आ रहा है 0.157 इक्वल्स टू टू पाई बाई लेमडा, वैल्यू डालो लेमडा इज गोइंग टू बी 40 मीटर, ठीक है, तो जो एल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 80 मीटर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देखो कितना ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा आपको ये, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें पूछता है, ऐसे सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ उसी टाइप का है, बट ये थोड़ा डिफरेंट, इसमें किसमें दो अलग अलग स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो कह रहे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, अपने पास क्या एक वायर ऑफ लेंथ 2L है, इज मेड बाई ज्वाइनिंग टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, बट दोनों के रेडियस अलग अलग, एक की रेडियस आर है, एक की रेडियस 2R है, करेक्ट है ये बात, एंड मेड ऑफ सेम मटीरियल, इट इज़ वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी सच दैट द जॉइंट ऑफ अ, जो ये जंक्शन है, ये जॉइंट है, टू वायर इज फॉर्म ऑलवेज नोड्स, मतलब तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है जिससे हमेशा यहाँ पर नोड आए। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो जैसे अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो आती है 25, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी आती है 50, तो अगर तुम यहाँ नोड चाहते हो, ध्यान से सुनना, मान लो इसको नोड मान लिया तुमने, तो उसके इसको ये नोड है ही है, और इसको भी नोड मान लिया, इधर से भी इसको नोड मान लिया, तो दोनों साइड से नोड मान लिया, तो ये एक्चुअल में दो सिचुएशन ऐसे मान सकते हैं हम लोग, ये फिक्स्ड है इधर से नोड मान लिया, ये फिक्स्ड है इधर से नोड मान लिया, तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं दोनों की, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, करेक्ट। तो हम इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मान लो निकालते हैं, तो मान लो इसका आ जाता है, मान लेते हैं इसे समझने के लिए 50 हर्ट्ज़ आता है, इसका आता है 50 हर्ट्ज़। तो अगर आप अगर 25 हर्ट्ज़ से करोगे तो इस यहाँ नोड बनेगा और यहाँ नोड बनेगा, अगर 50 हर्ट्ज़ से करोगे तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, पक्की बात है। लेकिन 25 हर्ट्ज़ पे यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग की वजह से नोड बनेगा, तो एक नोड बना रहा है, एक एंटी नोड बना रहा है, तो ओवरऑल नोड नहीं हो सकता, एक की वजह से नोड बन रहा है, एक की वजह से एंटी नोड बना, तो यहाँ नोड नहीं हो सकता, दोनों की वजह से अगर यहाँ नोड बनेगा तभी यहाँ अल्टीमेटली नोड बन के रहेगा, इस वाले जंक्शन वाले पॉइंट की बात बता रहा है। तो अगर तुम 25 पे करोगे तो इसकी वजह से तो नोड बन जाएगा, लेकिन 50 वाले की वजह, मतलब 25 पे ये तो नहीं बनाता ना यहाँ नोड, तो आप क्या करोगे, देखो आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 25 है तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, 25 50 75 यही तो था ना, मतलब 1 2 3 का मल्टीप्लायर था, तो यहाँ कितना होगा 50 100 150, तो मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी पे दोनों नोड जंक्शन में बनाएंगे, तो होगा 50, तो ये 50 हर्ट्ज़ पर आपका नोड बनाएगा, तो हम इसे 50 ऐसे कॉमन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर देते हैं। तो लेकिन दोनों में अब तुम्हें दिख रहा है कि एक में वेव पल्स ज़्यादा बन रही है, एक में वेव पल्स कम बन रही है, तो इसको कैसे टैकल करते हैं हम लोग, टैकल कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो ये बात तो सबको क्लियर हो गया आई थिंक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि दोनों को नोड बनाने के लिए हमें उस कॉमन फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है जिसकी वजह से वहाँ पर नोड बने। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ ए लिख लेते हैं, एफ ए, देखो एफ ए हो जाएगा आपका 1 बाई लेंथ सेम है 2L रूट ओवर टी बाई म्यू, यहाँ पर टेंशन भी सेम होगा क्योंकि पूरा का पूरा लेंथ स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी तो चाहे जिधर से फोर्स बैलेंस करो दोनों साइड से वो टेंशन तो सेम ही आएगा, तो ये म्यू वन हो जाएगा, म्यू वन अलग क्यों होगा क्योंकि यहाँ रेडियस अलग है, और एफ बी क्या होगा आपका, एफ बी इज गोइंग टू 1 बाई 2L, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, इस बात को ध्यान रखना, तो 2L टी बाई म्यू टू, करेक्ट। अब कुछ सर्टेन मल्टीप्लायर होके बैलेंस हो रहे दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी होगी, तो मान लो मिनिमम वैल्यू आपकी पी है, तो पी इंटू P, वही कह रहा है P, मान लो P जितने, अच्छा जितने आपके नोड्स होंगे उतने ही पल्सेस बन रहे होंगे, तो P इंटू 1 बाई 2L इंटू टी बाई म्यू वन इज इक्वल टू, इसमें क्या लिख सकते हैं, Q इंटू रूट ओवर
टी बाई म्यू टू, दोनों का म्यू वन म्यू टू अलग है क्योंकि दोनों की रेडियसेस अलग हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या रियलाइज हुआ कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू टू बाई म्यू वन आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, पी बाई क्यू इज इक्वल टू, पी बाई क्यू इक्वल टू, आई एम सॉरी, दिस इज म्यू वन बाई म्यू टू, करेक्ट है। तो ये पी एंड क्यू मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो दोनों फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे सेम ही आ रहा होगा, कुछ कुछ फैक्टर होगा। अगर मान लो रेशियो वन आना होगा तो आ ही जाएगा, चिंता मत करो। हमने कहा कुछ दोनों का मल्टीप्लाई होगा जिसके बाद वो मिनिमम पे इक्वल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, तो पी वही, और जितनी जितने पल्सेज होंगी उसी उसी का फैक्टर होगा, उसी का रेशियो पूछा। तो जो पी बाई क्यू एक्चुअली है, जैसे मान लो एक पल्स है तो एक ही नोड होगा, दो पल्स है तो दो नोड होगा, तो उसी का रेशियो ही आ रहा है, ध्यान से समझोगे, ये बात आ रही क्या समझ में। तो पी बाई क्यू जो आएगा, पी बाई क्यू आएगा वो इसका रेशियो आएगा आपका, तो म्यू वन कितना, म्यू वन हो जाएगा आपका वन बाई टू का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन बाई टू का आ जाएगा, कैसे, देखो ये हो जाएगा म्यू वन हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ, मास क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू एल अपॉन एल, एल एल कट जाएगा, वैसे वहाँ पर उसका रेडियस डबल था तो ये हो जाएगा पाई टू आर स्क्वायर, है ना। तो बाकी सारे पैरामीटर कट जाएंगे, वन बाई फोर बचेगा उसका रूट ओवर है, तो वन बाई फोर का रूट ओवर निकालेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा। तो इस तरीके से पी बाई क्यू क्यू जो रेशियो आएगा वो आपका 1 बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 बाई टू आ जाएगा। मुझे लग रहा है जो एक बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, मैंने P और Q का मल्टीप्लायर कैसे लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉमन फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, यहाँ पर कॉमन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप यहाँ पर आप पल्सेस ड्रॉ कर सकते हो। मान लो अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, जैसे अब जैसे 1:2 है, तो इसका मतलब 1:2 का आ रहा है, तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पर वन एक पल्स बनी होगी और यहाँ पर दो पल्स बनी होगी, ऐसे करके ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पर एक पल्स बनी होगी एक और यहाँ पर दो बनी होगी, ऐसे करके हो सकता है रेशियो से देख सकते हो, यहाँ एक नोड है यहाँ दो नोड है, तो 1:2 नोड हो गया, क्लियर है बात, यहाँ 1:2 नोड हो गया। तो आसान सी बात है, मतलब इतना आसान भी नहीं है इसको, ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन रखूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप मतलब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रख सकते हैं। ओके, अब हम प्रेशर वेव्स की बात करेंगे। प्रेशर वेव में देखो, जो हमने अभी स्टैंडिंग स्ट्रिंग में वेव पढ़ा, जो स्ट्रिंग में हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल करता है। अगर मान लो ऐसा करके कुछ वेव मोशन जा रहा है, ऐसे यहाँ बना देता हूँ, तो अगर मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ जो मैंने वाई लिखा है इसको अच्छे से लिख देते प्रिसाइसली कि वाई में अब बच्चा वर्टिकल एक्सिस समझ लेता, तो ये एक्चुअली एस एक्स मान लेता है। एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लॉन्ग, जो ऑसिलेशन हो रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस है, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सोच सकते हैं। और इधर ही वेव पार्टिकल, तो एक्चुअल में जो उसके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा वो एकदम साइनोसॉइडल होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में मानते पार्टिकल का, तो यहाँ भी स्मॉल मान लेंगे तो एस एक्स होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, एस एक्स इक्व टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट है यहाँ पे बात, तो के एक्स आ गया, है ना। तो एस एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब फंडा क्या आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्चुअली यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन बन जाता है और कंप्रेशन बन जाता है, तो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है, ठीक है। तो प्रेशर का वेरिएशन का भी इक्वेशन लोग समझ सकते हैं, हालांकि अगर टाइम होता तो मैं इसको निकालता, बट ओके, मतलब डायरेक्टली याद ही कर सकते हैं। तो वो उसके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और उसके प्रेशर वेरिएशन, अब प्रेशर जो वेरिएशन आ रहा है पी इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर नहीं होगा, पाई बाई टू का फर्क है। तो जहाँ मैक्सिमम होगा वो मैं बताऊँगा कैसे वेरी करता है, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। तो जो पी इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू प्रेशर है, प्रेशर इसको प्रेशर वेव इक्वेशन बोलते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो प्रेशर होगा बी ए के होता है, बी क्या है बल्क मॉडुलस, ए क्या है एम्पलीट्यूड, के क्या है वेव नंबर, करेक्ट है बात। तो ये सारी चीज़ें सेम हो गई है, बाकी सब कुछ तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि अगर अगर हम मान लो आप स्ट्रिंग को लेते हो, या सॉरी आप एक साउंड कोई साउंड लेते हो, और वही सब जो आपने अभी पढ़ा था साउंड वेव, वही साउंड वेव को आपने किसी बेसिकली जैसे हमने स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करते स्टैंडिंग वेव, वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गन पाइप होता है उसमें हम स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होता है, ऑर्गन पाइप समझ मारा। तो ऑर्गन पाइप एक सिलेंड्रिकल ओपन पाइप होता है, दो टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है और एक साइड क्लोज होता है। तो ये वाला ओपन है, ये वाला ओपन ऑर्गन पाइप है, ये वाला क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साउंड को भेजते हैं, और मान लो समहाउ रिफ्लेक्ट होकर साउंड ऊपर आ गया, कैसे होता है रिफ्लेक्शन उसकी चिंता मत करो, अब छोड़ दो, मेंस में नहीं पूछेगा, रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो दो चीज़ें मेंस में पूछ सकता है आपसे, एक कि देखो जैसे यहाँ पर अगर तुम प्रोफाइल बनाओगे, इसकी प्रोफाइल बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल बनाओगे, प्रेशर की प्रोफाइल बनाओगे, तो जो सुपर इम्पोज करके वेव आएगी अगर वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, क्योंकि सिमिलर ही फंक्शन है, देखो सिमिलर फंक्शन है तो सिमिलर तरीके से स्टैंडिंग वेव करेगा, और इसमें भी हम मेक श्योर करते हैं कि वही सेम ऑपोजिट सेम एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इसमें दो तुम प्रेशर को भी सुपर इम्पोज करके इक्वेशन बना सकते हो, तुम डिस्प्लेसमेंट वाला, तो दोनों बनता है। तो देखो जो रेड वाला है वो आपका क्या है, जो रेड वाला मैंने बना रखा है ये आपका प्रेशर वेव वेरिएशन है, ठीक है।
और जो ये आपका ब्लैक वाला है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन। देखो जहाँ पर ये वाला प्रेशर एंटी नोड है, ये प्रेशर नोड है, और यहीं पर आप देखोगे तो प्रेशर डिस्प्लेसमेंट नोड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नोड है। तो जहाँ पर प्रेशर एंटी प्रेशर नोड है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, तो हमेशा पाई बाई टू का फ़र्क होता है। तो ये प्रोफाइल बन जाती है, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर अगर फिर से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम निकालना चाहें तो फिर लेंथ के टर्म में लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू सी बाई लेमडा लिखेंगे, तो सी बाई, तो अब याद करने के पर्पज़ से अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप हमेशा बोथ एंड फिक्स वाला रिजल्ट याद कर लो, ठीक है, और क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या करोगे, बाकी सबको आपको समझ में आ रहा होगा, बोथ एंड फिक्स वाले में क्या करोगे आप, ओपन बोथ एंड फिक्स वाला आप ओपन ऑर्गन पाइप, और वन एंड फिक्स क्या होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब सिर्फ एक साइड क्लोज होता है, ऐसा नहीं कि दोनों साइड क्लोज हो जाता है, ठीक है, एक साइड क्लोज तो क्लोज ऑर्गन पाइप, दोनों साइड ओपन तो ओपन ऑर्गन पाइप, करेक्ट है बात। अच्छा यहाँ पर भी देखो डिस्प्लेसमेंट और प्रोफाइल देख लो, अभी रिजल्ट को तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो ये जो रेड वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, सॉरी रेड वाला क्या है आपका प्रेशर वाला है, और जो ये ब्लू वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर मैं बोलूँ ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नॉट दैट इज सी बाई टू सी बाई ट्वेल्व, और अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ जिस पर वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा वो होगा एफ नॉट टू एफ नॉट थ्री एफ नॉट एंड सो ऑन एन एन एफ नॉट। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, एनथ वर्टोन इक्वल टू एन प्लस वन एथ हार्मोनिक, ठीक है। अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे उसमें क्या होगा एफ नॉट थ्री एफ नॉट फाइव एफ नॉट एंड सो ऑन, और इसमें टू एन प्लस वन एथ हार्मोनिक इक्वल टू एनथ वर्टोन हो जाएगा, क्लियर है बात है। तो ये बिल्कुल सेम सी चीज़ है, ये याद रखना कि सेम जगह पर नहीं होता, एक बार पूछ चुका है मेंस में, ठीक है, अब मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं तो मैंने डाला नहीं इसमें, बट वो पूछ चुका है कि सेम जगह पर नोड और एंटी नोड नहीं होता प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का, करेक्ट है बात। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली से प्रेशर वेव इक्वेशन पर है। द प्रेशर वेव इज गिवन, इस बार डिस्प्लेस प्रेशर जो साउंड वेव है उसका प्रेशर वेव इक्वेशन दिया हुआ, तो पी इक्वल टू क्या दिया है 0.01 साइन 1000 t माइनस 3x है ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो कोई बात नहीं जी, ये तो यूनिट देगा सेम चीज़, ठीक है। करेस्पॉन्ड टू द साउंड प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ब्लेड ऑन अ डे व्हेन टेम्परेचर इज जीरो। जीरो का मतलब देखो, अब अगर हम वेव स्पीड साउंड की स्पीड की बात करें तो गामा आर टी बाई एम आएगा, लेकिन टी हमेशा केल्विन में लिखना है, ठीक है, तो सी को प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है यहाँ पे, तो सी प्रोपोर्शनल टू टी है। तो कह रहा है सम अदर डे व्हेन टेम्परेचर इज टी, तो स्पीड ऑफ द साउंड वो 336 है, लेकिन पहले वाले केस में तो मैं साउंड की स्पीड पता नहीं जी, पता ही नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पता है। कैसे पता है, यहाँ ओमेगा पता है और यहाँ के पता है, और ये राइट ट्रेवलिंग वेव है क्योंकि नेगेटिव है, ये भी आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो। तो जो सी आएगा यहाँ पर, जो सी आएगा वो हो जाएगा ओमेगा बाई के विच इज़ 1000 बाई 3 विच इज़ 333.3, ऐसा कुछ मान सकते हैं, 1000 बाई 3 मान लेते हैं, इसको डेसिमल में नहीं डालते, ठीक है। तो पहले केस में एट 0 डिग्री पे आ गया। अब कह रहा है कि जो टी टेम्परेचर पर है वो उसकी स्पीड 336 मीटर पर सेकेंड है, तो कह रहे टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो टेम्परेचर का रिलेशन तो आपको पता चल ही रहा है, तो आप अगर अगर यहाँ पे केल्विन में डालना, ठीक है, तो सी जीरो इक्वल्स टू √273, तो सी टी पर क्या होगा 273 प्लस लेट्स जो टी बढ़ गया। तो बस अब क्या करना है, प्रोपोर्शनली तो ये इक्वालिटी नहीं, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तब अब कांस्टेंट जो आएगा कट जाएगा, तो सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू √273 अपॉन 273 प्लस टी। अब दोनों वैल्यूज रखिए, डाल दो, और ये अच्छा एक यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ जो टी आएगा वो एक्चुअल में कुछ 3 के आसपास आता है, बट यहाँ पर आंसर 4 दे रखा है, तो इसने यहाँ पर लिखा था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करता है, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन लिया 25% का रहा, इनफैक्ट 3 से भी थोड़ा कम ही आता है। आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के लिए सॉल्व करके देखना, इसमें 3 4 मतलब 3 से भी कम आता है, तो 25% ज़्यादा रहा है, तो भी ये देखो अप्रॉक्सीमेट में 25% के से ज़्यादा एरर को कंसिडर कर रहे होते हैं, करते हैं मेंस वाले हैं भाई, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेंस वाले इतने बड़ा बड़ा डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो 4 डिग्री आएगा उस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेशन मिले, लेकिन देखो बाकी उससे तो बहुत ज़्यादा फर्क है, मतलब उसमें तो 100-200% का फर्क है, तो इसलिए उस पर तो जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं, बट हाँ सबसे क्लोज वैल्यू जो आएगी वो 4 ही आएगी, दैट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, 4 ही सबसे क्लोज वैल्यू थी, तो अप्रॉक्सीमेट में इतना बड़ा बड़ा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं यार गलत तो नहीं है, नहीं मेंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है बात है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली आपका साउंड की स्पीड जो हम लोग स्कूल में निकालते हो, आप 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हो, उसी पे बेस्ड होता है, और ये एडवांस में ही पूछता है, मेंस में पूछता है, एकदम इतना ही इजी एडवांस में पूछ लेता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मेंस में भी इतना इजी पूछ लेता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 480, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 480 हर्ट्ज है, ठीक है भाई, 480 हर्ट्ज है। अब कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ द साउंड, वही सेम चीज़ बोला, इन एयर रेजोनेंस ट्यूब। एयर रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब होती है ना ऐसे करके, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ सर्टेन हाइट तक लिक्विड डाल देते हैं, पानी होता है मोस्टली,
तो अब ये देखो, ये एयर, इसको एयर कॉलम बोले, यहाँ एयर होता है। तो कह रहा है कि रेजोनेंस टीव, अब रेजोनेंस इज ऑब्जर्व। अब इसमें क्या होता है कि लाउड साउंड और वीक साउंड सुनते हो। तो लाउड साउंड आप कान लगा के सुनते हो ना, कि जब तुम्हें सबसे बहुत एरर आता है लेकिन इसमें, तो आप लाउड साउंड सुनने की कोशिश करते हो। तो पहला यहाँ लेंथ की मेजरमेंट होती है, तो कह रहा है जो पहला L1 आ रहा है वो किस पर आ रहा है, 30 सेंटीमीटर पर। तो जो पहला रेजोनेंस आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर पर आ रहा है। फिर उसका अगला पॉसिबल जो रेजोनेंस आ रहा है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला पॉसिबल जो रेजोनेंस आ रहा है वो किस पर आ रहा है ना, साउंड की स्पीड निकालनी हमें। तो कह रहा है कि अगला पॉसिबल जो रेजोनेंस, वो एयर कॉलम की जब लेंथ 70 सेंटीमीटर हो जाती है, 70 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ अगर 70 सेंटीमीटर हो जाती है तो आ रहा है, करेक्ट है बात, 70 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो देखो अब ये दो कंजिकेटिव आ रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये ओपन एयर है, तो क्या होगा आपका बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लेमडा इक्वस टू क्या होने वाला है, अगर पहले अगर मान लो L1 लेंथ है, तो L1 क्या होगा आपका, हो जाएगा L1 इक्वस टू लेमडा बाई 4, है ना, पहला पॉसिबल होगा लेमडा बाई 4। तो आप लोग आप लिख सकते हैं लेमडा बाई 4, ठीक है, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप है। तो आप इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करोगे तो जो लेंथ होगी ओपन ऑर्गन पाइप की L1 है, दैट इज लेमडा बाई 4, क्लियर है बात है यहाँ पे, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अगला पॉसिबल जो आएगा यहाँ पे, अगला पॉसिबल आएगा वो इस पे आएगा। देखो ये एक्चुअली ओपन ऑर्गन पाइप की तरह नहीं है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो लेंथ होता है फंडामेंटल मोड पे, अगर चाहे कोई भी दो ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल मोड लोगे, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो L1 आएगा वो लेमडा बाई 4 आएगा। अब देखो ये फंडामेंटल मोड के लिए हमने मान लिया लेमडा बाई, तो अगला पॉसिबल क्या होगा, 3 लेमडा बाई 4 आएगा, आपको याद होगा ना, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2। तो जो अगली पॉसिबल रेजोनेंस आएगा वो लेमडा L2 इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4 पे आएगा, करेक्ट है बात। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें L1 एंड L2 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं L2 माइनस L1 निकाल लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4 विच इज गोइंग टू बी लेमडा बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर और लेमडा आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो 0.8 मीटर, करेक्ट है ये बात। तो हमने एक्चुअली लेमडा निकाल लिया। अच्छा लेमडा निकाल के फायदा क्या होगा हमें, इसमें हमें स्टीनिंग फॉर की फ्रिक्वेंसी पता है, करेक्ट है। अगर फ्रिक्वेंसी पता है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू बेसिकली फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सी बाई लेमडा होता है। तो सी जो होगा वो एफ इंटू लेमडा हो जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा जैसे मैंने यहाँ फंडामेंटल मोड और थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन के लिए कर लिया, आप किसी भी के लिए करते हो तो सेम ही डिफरेंस आता है, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला तो लेमडा बाई 2 ही आता डिफरेंस, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा, 480 हर्ट्ज इंटू लेमडा कितना है, 0.8, तो C इज इक्वल टू कुछ 384 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई होप आसान सी बात थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली आपको यही 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 सेम चीज़ आपसे एडवांस में पूछ सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा कई बार आपसे एरर वगैरह भी पूछ लेता है, बट एरर वगैरह इसमें मोस्टली नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से ही या स्पीड से रिलेट कर लेता है, या तो स्पीड देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा या फ्रीक्वेंसी देके स्पीड पूछ लेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो अपना आएगा वो होगा डॉपलर्स इफेक्ट, और डॉपलर्स इफेक्ट में ही हम थर्ड टाइप का जो बेसिकली सुपरपोजिशन होगा वो पढ़ लेते हैं, वो होता है बीट्स। बीट्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर दो साउंड वेव्स हैं, मतलब दो साउंड वेव है, दोनों वही साइनोसॉइडल साउंड वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है तो बीट्स प्रोड्यूस होता है। तो मैं यहाँ बीट्स के लिए अब सीधा बस फॉर्मूला लिख दूँ, आई थिंक आप काम चला लेना। तो जो बीट्स प्रोड्यूस होता है, पहले ये बताते हैं तो बीट्स होता क्या है। तो जैसे मान लो दो सोर्सेस हैं, वो सुपर इम्पोज करते हैं, और सुपर इम्पोज करते हैं तो बेसिकली अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है तो लाउड साउंड और वीक साउंड सुनाई देता है। तो पर सेकंड जितने लाउड और वीक साउंड सुनाई देता है उसे हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड लाउड एंड वीक नहीं बोला मैंने, लाउड और वीक, नंबर ऑफ लाउड और नंबर ऑफ वीक साउंड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एंड उसका मॉडुलस, वो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आती है F1 माइनस F2, करेक्ट है, F1 माइनस F2 आती है, क्लियर है क्या बातें, F1 माइनस F2 वैल्यू आएगी। आई होप मैं बार बार लिख रहा हूँ, मॉडुलस F2 मतलब पॉजिटिव लेते हैं तो मॉडुलस में ही लिखना है इसे, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का आइडिया लग चुका है, बीट फ्रीक्वेंसी पता चल चुका है, इसको दिमाग में रखना। फिर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं, और दोनों के क्वेश्चन को हम एक साथ ही ले लेते हैं, ताकि हमें अब इसमें बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आता, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी सबको याद रहेगा, मॉडुलस F1 माइनस F2, और F1 F2 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, कुछ 3-4 हर्ट्ज, 5-6-7 हर्ट्ज तक मैक्सिमम ले लेता है कई बार, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, चलो डॉपलर इफेक्ट पता है, डॉपलर नामक एक साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तो जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो ऑब्जर्वर उसको सुनता है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो अलग सुनाई देता है।
डिफरेंट सुनाई देता है, जो उसे रिसीव होती फ्रीक्वेंसी वो अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, डॉप्लर ने ऑब्जर्व किया था। तो कहता ना, लिखा ना, देखो बहुत क्लियर कट मैंने लिखा है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड सोर्स ऑफ अ साउंड एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। क्लियर है बात यहाँ पे? तो बहुत आसान सी बात है। तो मैं यहाँ पर तुमसे जो पूछा जाएगा, मोस्टली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ही पूछा जाता है कि कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक मूव करेंगे, कोई स्टेशनरी कर देंगे, कुछ ऐसा करके करेंगे। तो मैं तुम्हें बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान सी बातें बताता हूँ, जिससे तुम लोग इसे फटाफट कर लोगे। तो अगर मान लो सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मान लो ये सोर्स है, ठीक है, मान लो ये सोर्स है, ये देखो, ये मान लिया हमने सोर्स है, करेक्ट है बात? अगर हमने इसको सोर्स मान लिया, देखो यहाँ पे हमने इसको सोर्स मान लिया है, क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये सोर्स है, अब ये दोनों के पास वेलोसिटी, ये सोर्स है, इसकी वेलोसिटी वी एस है, इसकी वेलोसिटी वी ओ है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, आप इसको याद कर लो, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला इज एफ ऑब्जर्वर, देखो ध्यान से, एफ ऑब्जर्वर मतलब जितना ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, एफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू एफ नॉट सी अपॉन सी, देख रहा, सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस वी एस। अब वी और वी एस क्या है? वी ओ आपका है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब ये याद नहीं रहता कई बार, तो देखो ओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और एस बाद में आता, तो ऐसे याद कर सकते हैं, माइनस करना है यहाँ पे, ये याद रहेगा, ओ पहले आता है, एस बाद में आता है, ये कन्फ्यूजन नहीं आएगी। फिर एफ नॉट क्या है? ये फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये जो एफ नॉट है, इस बात को ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स है। और एक बात और दिमाग में रख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट होती है, कितनी तेज भाग रहा है उससे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, जो रिसीव करेगा ऑब्जर्वर उसकी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आता है, क्लियर है बात? तो एफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू एफ नॉट सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस वी एस हो जाएगा। तो एफ ऑब्जर्वर क्लियर कट समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए, इस अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के लिए जब इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक वी ओ और वी एस दोनों साइन के साथ यूज़ होंगे, आप साइन कन्वेंशन के साथ डालते हैं, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ डालते हैं। तो पहली चीज़ याद रखनी कि साइन कन्वेंशन के साथ डालना है, और किसको डालना है? वी और वी एस को, बाकी सी को आपको चेंज नहीं करना, सी आपका जो भी दिया है उस क्वेश्चन में उसी को यूज़ करना है प्लस के साथ। तो वी और वी एस को आप लोग साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे। आप कहोगे भैया साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप क्या करते हो, वो दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है? सोर्स टू ऑब्जर्वर हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव मान के किया गया है। तो आप जब भी सॉल्व करोगे तो इस बात को ध्यान रखोगे, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ पॉजिटिव मान लो, सोर्स ऑब्जर्वर पॉजिटिव, अगर सोर्स ऑब्जर्वर पॉजिटिव है तो जो भी वेलोसिटी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर है बातें? आई थिंक आसान सी बात है। तो यहाँ साइन के साथ रखोगे, माइनस तो रहेगा, प्लस यहाँ एक्स्ट्रा साइन रखोगे, अगर प्लस आएगा तो प्लस रखोगे और माइनस आएगा तो माइनस डालोगे, फिर माइनस माइनस के साथ इसको प्रोसेस करोगे, ठीक है ना? तो क्लियर है बातें यहाँ पर? तो सोर्स टू ऑब्जर्वर रट लो भाई, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टाइम लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, रिसीव्स अ साउंड फ्रॉम टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क, वन ऑफ विच अप्रोचेस एन अदर वन रिसीड्स विद सेम स्पीड, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ऐसे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर है, एक अप्रोच कर रहा है वी स्पीड से, एक रिसीड कर रहा है वी स्पीड से, करेक्ट है बात? और जो वी है वो दिया है बहुत छोटा है साउंड की स्पीड से, मान लो सी इज द स्पीड ऑफ द साउंड, देन कर रहा, देन द ऑब्जर्वर हियर्स टू बीट्स पर सेकेंड। अब बीट्स क्यों सुन रहा है? क्योंकि देखो भाई एक फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से सुनेगा कुछ अलग, अगर दोनों स्टेशनरी होते तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनता तो कोई बीट नहीं सुनाई देगा, और देखो बीट का कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा, तो इसकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इसकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी सुनेगा, करेक्ट है बात? तो इसकी वजह से जो सुनेगा, इसकी वजह से सुनेगा, तो दोनों बेसिकली सुपर इम्पोज कर जाएगा, सुपर इम्पोज करके बीट सुनाई देगा, कुछ पर सेकंड कुछ लाउड, पर सेकंड और पर सेकंड कुछ वीक साउंड सुनाई देगा, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो पहले वाली, इन दोनों की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसको निकाल लो, और एफ1 माइनस एफ2 को 2 के बराबर लेके सॉल्व कर लो। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो जो ट्यूनिंग फॉर्क की सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स है वो, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1400 हर्ट्ज़। तो ऐसा करते हैं, दो केसेस के हिसाब से सॉल्व करते हैं, एक इसमें पहले लेते हैं, तो इसके हिसाब से एफ अपेरेंट निकालते हैं, एफ1 हो जाएगा, दैट इज एफ नॉट। अब देखो जैसे कर रहा हूँ वैसे ध्यान से देखो, C अपॉन C, यहाँ माइनस रखो, यहाँ माइनस रखो, अब यहाँ पर वी ओ रखना है और यहाँ पर वी एस रखना साइन के साथ, करेक्ट है? तो ये 1400 हो गया, इसको इसके साइन की चिंता नहीं करनी। अब साउंड की स्पीड 350 दिया, तो 350 अपॉन 350। अब जो ऑब्जर्वर है ये तो तुम्हारा जीरो स्पीड से स्टेशनरी है बोला है, बट ये सोर्स है तुम्हारे, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है सोर्स है, इस वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए।
तो आप कहोगे भाई डायरेक्शन क्या लें, तो ये डायरेक्शन हो सोर्स टू ऑब्जर्वर, फर्क नहीं पड़ता कि किधर मूव कर रहा है, आपको हमेशा एरो किधर दिखाना है, सोर्स टू ऑब्जर्वर, करेक्ट है। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बताओ जो सोर्स है वो किधर भाग रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट मतलब बेसिकली पॉजिटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेना। तो यहाँ नेगेटिव माइनस वी, तो ये हो जाएगा आपका 1400 इंटू 350 अपॉन 350 प्लस वी, ये आ जाएगा F1। अब सेम सी चीज़ अपन लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, इस वाले के साथ लिखने की कोशिश करेंगे, इस वाले के साथ लिखो भाई, इस इन दोनों के साथ, इन दोनों के लिए सिचुएशन बना लेते हैं। इन दोनों के लिए सिचुएशन कैसे बनाएंगे, देखो आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैन है और ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये बेचारा स्टेशनरी है, देखो करेक्ट है, ये वी से जा रहा है। अब यहाँ पर भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों आइडेंटिकल है, तो 14 हर्ट्ज है। अब बताओ एरो किधर लगाऊँ, सोचो एरो किधर लगाऊँ, एरो लगाऊंगा मैं इधर की तरफ, है ना सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो इधर एरो लगा दिया मैंने, तो एरो इधर की तरफ लगा दिया, और जो वी ऑब्जर्वर है ये तो जीरो है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, एफ ऑब्जर्वर, या इसको एफ टू लिख देता हूँ मैं, वहाँ एफ वन लिखा था, तो ये हो जाएगा 1400, है ना भाई, अपॉन 350 माइनस वी ऑब्जर्वर, तो जीरो है, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, तो 350 इसमें प्लस रहता है, तो यहाँ अब ये देखो इधर की तरफ ही पॉजिटिव है और इधर की तरफ ही सोर्स मूव कर रहा है ना। तो अच्छा, हर एक सिचुएशन में नई साइन कन्वेंशन बनेगी, नया सोर्स, नया ऑब्जर्वर, नई साइन कन्वेंशन, सोर्स ऑब्जर्वर एक एरो बनाओगे उसके हिसाब से ड्रॉ करोगे, तो ये हो जाएगा प्लस वी हो जाएगा, करेक्ट है ये बात। तो जो एफ टू आएगा वो आएगा 1400 350 अपॉन 350 प्लस वी। आई होप किसी को कोई झामा दिख नहीं रहा होगा। अब अपन लोगों को क्या करना है, अब ये दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से सुनाई जा रही, तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या होगा, दोनों फ्रिक्वेंसी देखो, ये वैल्यू आपकी, आई एम सॉरी दिस इज माइनस थिंग ओनली, ये माइनस ही होगा, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है और ऊपर वाली जो F1 निकला था वो प्लस था, वो छोटी होगी, क्योंकि नीचे आपको दिख रहा है प्लस में है तो छोटी वैल्यू, माइनस में तो बड़ी वैल्यू। तो जो बीट फ्रिक्वेंसी आएगी F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, करेक्ट है ये बात। तो F2 कितना होगा, 350 इंटू 1400 अपॉन 350 माइनस वी माइनस 350 इंटू 1400 अपॉन 350 प्लस वी, करेक्ट है, इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। इसको सिंप्लीफाई कर देते, कॉमन ले लेते हैं, तो 350 इंटू 1400 ये हो जाएगा 350 प्लस वी माइनस 350 प्लस वी अपॉन ये हो जाएगा 350 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, 350 स्क्वायर साउंड की स्पीड है और वी स्क्वायर सोर्स की दोनों की स्पीड थी सोर्स की, तो ये बोला था शुरुआत में, बोलता था बहुत छोटा, तो वी स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर, तो 350 बचेगा, तो 350 बचेगा, तो इसको इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं हम लोग, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 350 इंटू, ये बात ध्यान रखना, ये अप्रॉक्सीमेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपको समझ में आना चाहिए। तो 350 का 200 ये हो गया आपका, ठीक है, 2V अपॉन 350 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँ तो V इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकंड दिख रहा है आपको, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन जो ऊपर मैंने बनाया है, इसको देखो ध्यान से, सॉल्व कर लिया था, ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क दो, ये बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं कि क्या हुआ भाई, यहाँ क्या हुआ, कैसे अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, ठीक है। तो ये 350 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया, तो 350 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में वी स्क्वायर बहुत छोटी वाली, तो उसको इग्नोर ही कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि उसने डेटा देखो यहाँ पे, देखो बोला था कि जो मच लेस देन दिस स्पीड, वरना ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए उन्होंने अवॉइड करने के लिए बोल दिया। ये देखो यहाँ बोला था मच लेस देन द स्पीड ऑफ दिस साउंड, तो इस वजह से हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हो फिर लेक्चर को एंड करते हैं, करेक्ट। तो ये इस वाले में एक्चुअली रिफ्लेक्शन वाली बात बोल रहा है, करेक्ट। सबमरीन है ए विच इज़ ट्रैवलिंग, ए सबमरीन है, ठीक है, ए है मान लो सबमरीन, करेक्ट, और ये ए हो गया, ये जा रही है 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, 18 किलोमीटर मतलब क्या, 18 इंटू 5/18 कर सकते हैं, तो विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जा रहा है, मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। एंड वी हैव अनदर सबमरीन विच इज़ मूविंग विद बी, दूसरी सबमरीन है बी, ठीक है, अभी कितने से जा रहा है, 27, तो 27 मतलब 27 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 विच इज़ 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, अब मीटर पर सेकेंड में देखेंगे। देखो तो बेसिकली कह रहा है, लिखा भी इसने कि 18 आर पर किलोमीटर इज बीइंग चेज्ड अलोंग द लाइन, एक ही लाइन के लॉन्ग है, ऑफ इट्स वेलोसिटी बाई
अनदर सबमरीन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 27। अच्छा मैंने एक बात ध्यान रखा, सारा वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन के लिए, और क्वेश्चन भी स्ट्रेट लाइन के लिए पूछता है, टू डायमेंशन में बहुत कम पूछता है इसमें, मतलब बहुत रेयरली पूछा होगा, कदू का क्वेश्चन कभी पूछ लिया होगा, वरना पूछता नहीं, तो इसमें मोस्टली लीनियर ही पूछता, तो सारा फॉर्मला मैंने लीनियर के लिए डराइव किया, टू डायमेंशन के लिए अलग तरीके से सोचना होता है, वो हम नहीं करेंगे, एडवांस में आता है। तो इट्स वेलोसिटी बाय अनदर सबमरीन, तो ये 27 किलोमीटर पर आवर से चेस कर रहा है। अब कह रहा है कि देखो बी क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, सोनार सिग्नल भेजता है 500 हर्ट्ज़ का, और वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जाता है और इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो कह रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो ये अभी सोर्स है, ये जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा, और वापस सोर्स ही अपने आप में को सुन रहा है, मतलब उसके अंदर बैठे लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि अगर मान लो ये बी वाला ए को सिग्नल दे रहा है, ए पे डाल रहा है, तो ए को कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ ए लिख लेंगे उसको, एफ ए क्या होगा, एफ नॉट जो कि दिया होगा सी अपॉन सी, ये हम जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ए होगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ए क्या होगा, सी सी कितना होगा, देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो सी है वो 1400, क्योंकि ये सारा का सारा वाटर के अंदर होता है, 1400 स्पीड होती है पानी के अंदर साउंड की, तो 1400 माइनस हो गया। अब दोनों की स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड दी हुई है भाई, तो पहले ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, अब देखो डायरेक्शन की बात भी करेंगे, अभी हम लोग बी से जब ए की तरफ जा रहा है तब की बात कर रहे हैं, ये है आपका सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, तो आपका जो एरो बनेगा वो ऐसे बनेगा, करेक्ट है बात, इधर की तरफ पहुंचा, दोनों राइट की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा, तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब सोर्स कौन है, सोर्स आपका ये बी वाला है और ऑब्जर्वर ए है, तो यह ऊपर ऑब्जर्वर है, वो पहले आता है, तो ऑब्जर्वर कितना अपना 5 और ये हो जाएगा 7.5। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जिस फ्रीक्वेंसी से सुनता है, जिस फ्रीक्वेंसी से सुनता है, ध्यान से सुनना, अब ये 500 हर्ट्ज़ है, 500 हर्ट्ज़ इंटू 1395, ये सॉल्विंग थोड़ी सी कई बार कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ये हो जाएगा 1392.5, करेक्ट है, तो एफ ए होगा। अब इसी फ्रीक्वेंसी से वापस आएगा, इसी फ्रीक्वेंसी से रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करोगा तो अब इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, ए आपका सोर्स हो जाएगा और बी आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, तो ये सोर्स हो जाएगा अब और ये ऑब्जर्वर कर लेना इसे, तो अब ये सोर्स से ऑब्जर्वर इधर पॉजिटिव मान लेना, और जब जो रिफ्लेक्ट होगा तो इसी फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ बी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, एफ बी इक्वल्स टू जो एफ ए था, जो सुना था एफ ए ने, और सी सी सेम होगा विच इज़ 1400 अपॉन 1400। अब लेकिन एक बात को ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने ऊपर लिखा था, देखो ये है आपका वी ऑब्जर्वर, ये है वी सोर्स, ये नया कुछ डैश डैश डाल देते हैं, नया हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, ये जो एफ ए होगा, एफ ए होगा आपका 500 इंटू, ध्यान से देखना, 500 इंटू 1395 अपॉन 1392.5, है ना, ये हो जाएगा इंटू 1400। अब यहाँ पर सोर्स कौन सा, अब देखो सोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी सोर्स राइट की तरफ है और ऑब्जर्वर लेफ्ट की तरफ, एरो लेफ्ट की तरफ है, दोनों ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, अभी भी राइट की तरफ ही मूव कर रहा है, ये 7.5 और ये 5 मीटर पर सेकंड, दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, तो इस बार ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा पॉइंट प्लस 5, ऑब्जर्वर प्लस 5 है। अच्छा यहाँ पर ये गलती क्या हुई है, ऑब्जर्वर इस बार ए नहीं है, तो यहाँ पर 7.5 लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5 ऑब्जर्वर है, और ये क्या है आपका 1400 प्लस 5, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे एफ बी को, तो 502 हर्ट्ज़ के आसपास आएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बट करोगे तो कुछ आसपास वैल्यू मिल जाएगी, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आपको बहुत अच्छे से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, बहुत डिफरेंस नहीं देखो, तो ऐसे सिचुएशन भी आ जाता, तो ये कैलकुलेशन की वजह से डिफिकल्ट बन जाता है, कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, है ना, तो ये 502 हर्ट्ज़ के आसपास आंसर आता है, तो 502 लेना है आपको यहाँ पे, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन, और एक स्ट्रेट लाइन पे ही पूछ लेता है, तो यही दो चीज़ें ही पूछता है आपके, और बीट्स के साथ रिलेट कर लेता है, है ना, तो कई बार बीट्स के बिना भी पूछ लेता है स्ट्रेट लाइन में, कई बार ये रिफ्लेक्शन और बीट्स के साथ, या फिर सीधा स्ट्रेट लाइन के साथ फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो इतनी ही चीज़ें आपकी मेन से पूछता है, इक्का दुक्का कई बार इंटेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें और हैं, हर चीज़ तो नहीं कवर कर सकते इतने टाइम में, बट हाँ मोस्टली मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। ओके ठीक है, थैंक यू।